आदिवासियों के आरक्षण में कटौती करने को लेकर पूरे प्रदेश में उनका प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में सक्ती जिले में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले हजारों की संख्या में आदिवासियों ने प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों का कहना है कि उनके आरक्षण में कटौती करना गलत है। मूल निवासी होने के कारण उन्हें आरक्षण मिलना ही चाहिए। अधिकतर आदिवासी आज भी जंगल व ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे में उनके अधिकारों का हनन कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पर हमारे सम्मानित कलेक्टर महोदय जी को यहाँ पर बीच रास्ते में दें ताकि आदिवासी के बैठने की जगह तो हमारे लिए यहीं पर सुरक्षित है। 32% आरक्षण जो है अनुसूचित जनजाति को मिल रहा था, हाई कोर्ट बिलासपुर के फैसले आया है जिसमें केवल 20% हमको मान्य किया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं कि हमारा जनसंख्या छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा है कि हमको 32% आरक्षण दिया गया है वो मिलना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने 58% कहा करके कम किया है, जबकि इसी भारत देश में कर्नाटका में 56-59% आरक्षण की स्थिति पहुंच गई है। तो हमारा यही कहना चाहिए, अधिकार बनता है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलना चाहिए। कि आज की जो हमारा रैली है ये 32% आरक्षण जो है हमको संवैधानिक मिल रहा था, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा 12% जो है कटौती कर दिया गया है। आज हमारे सक्ती क्षेत्र के आदिवासियों के द्वारा हम जो है आज शांति रैली, हम माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार दिल्ली और आदरणीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, हम तीनों के नाम पर आज जो है ज्ञापन सौंपे हैं। और हमारी मांग है कि हमारा मांग जो है संवैधानिक अधिकार 32% हमको मिलना चाहिए। अगर सरकार हमको नहीं देती है तो आने वाले समय में हम जंगी प्रदर्शन जो है सरकार के विरुद्ध करेंगे।